क्या हाल भाई लोगों, मेरा नाम है सरफराज और आज की इस वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं डेट पार्क, जिसको आप एक मूवी देखी थी, आप देखी होगी आपने वो इट, उसी के रिलेटेड ये गेम है। तो आज हम गेम खेलने भाई, यहाँ पे थोड़ा पैसा रखा है, कॉइंस का मुझे पता नहीं क्या यूज़ होने वाला है, लेकिन मेरे को ये कह रहा है कि मुझे एक बार हाइड करना पड़ेगा अपना आपको, तो मैं हाइड कर लेते हैं। कोई आ रहा है भाई? ओके, क्राउन यानी जोकर है भाई। सब गेम बहुत डाउनी है। ओके भाई, चलेगा, ठीक है, बाहर निकलता हूँ। वो क्या मुझे पता है, चाबी रखने आता है यहाँ पे। हाँ, ये रख के चले गया, ठीक है। चिल्ड्रन रूम की है, यानी कि मैं एक बच्चा हूँ इस टाइम। क्या ये की आ रही है मेरे पास, अभी गेट खोलते हैं अला, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैं भी गेम फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ। ओ भाई साहब, डेट पार्क का नाम के सामने हो गया है। एस्केप दी रूम, ओके भी एस्केप करना है इस रूम से। अरे लॉन्च द ट्रेन, अगर ट्रेन को मुझे लॉन्च करनी है तो ठीक है, मैं चलता हूँ आगे। तो वो भी अच्छी बात है, ए सी नहीं क्या है भाई, ये क्या उसे उठाता हूँ मैं। अच्छा ट्रेन टिकट है, अच्छा ये बात है कि इसमें ये मुझे वो बता रहा है कि क्या क्या है क्या ना। वो भाई क्रॉन आ गया है, जोकर। अरे जोकर बच्चों का दुश्मन क्यों है ना, ठीक है। तो यहाँ से चल जा चुका हूँ, टिकट मिल चुकी है। ट्रेन का बोर्ड मुझे बता रहा है कि ट्रेन उधर किस साइड चलते हैं, मतलब मैं बेसिकली हम जिस टाइम ट्रेन को चलाना है, एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो ट्रेन इधर आर टी में समझा चाहिए, खड़ी ट्रेन। बस ट्रेन में टिकट रखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके अच्छा, तो मुझे पट्टे उठाने हैं मैम, बताओ। लॉन्च द ट्रेन एट्रेशन, तो ये कर दिया। इंटर द बिल्डिंग, भाई यहाँ से निकल भी ना, हम जब बिल्डिंग के अंदर जाना उससे पहले ही था वो पट्टे उठाते हैं, क्योंकि हमें पासवर्ड नहीं पता बिल्डिंग में जाने के लिए, तो पासवर्ड हमें पता करना पड़ेगा। बड़ा अजीब सा तरीका है पासवर्ड पता करना, मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे आप ऐसे ही, मैं फर्स्ट टाइम तो खेलने, मतलब एक टाइम मैं खेल चुका हूँ उस गेम को, और अभी मेरा सेकेंड ट्राई है। मैं जो करना हूँ आस पास कहीं, ठीक है, कहीं भी जो पर नहीं है, इधर भी नहीं दिख रहा, इधर भी नहीं दिख रहा, कहीं भी नहीं दिख रहा, ठीक है। हाँ देखो, मैंने यहाँ लगाता हूँ और मैं उधर जा, उधर ही साइड जा सकता हूँ बेसिकली, ठीक है। क्योंकि वाटर बोतल, हमें पानी बोतल ले ली है और चलते हैं झूले की तरफ। मैंने आसपास कहीं झूला देखा था जहाँ पे इसका यूज़ है। ओके, दरवाज़ा झूला मिल चुका है, झूले में से वो तो डालता हूँ भाई, चलने वाला है। झूला रुक चुका है, यू नो द कोड एंड मिला हुआ कोड वर्ड पता चल चुका है, जो कि इस बिल्डिंग में जाने का यूज़ करने वाला हूँ मैं। वो भाई जो कर उबारे हैं, चाप नीचे से निकल लेता हूँ मैं। और बेसिकली मैं तो बता दूँ, मैं स्टेन जो है ना यहाँ पे, मैं क्या यहाँ कुछ है, ठीक है, यहाँ कुछ बेसिकली बता दूँ, मैं स्टेन में भी घोस्ट मोड खेल रहा हूँ, कि भाई फर्स्ट टाइम मुझे नहीं पता था मैं कैसे स्केप करना, क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली, तो मैं फर्स्ट टाइम घोस्ट मोड खेल रहा हूँ। उसके बाद हम उससे खेलेंगे जिससे जैसे एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम भी ग्रेन में एकदम से क्लीन नहीं करा था, धीरे धीरे हमने सीख गए थे, ठीक है। तो क्राउन तो आ नहीं रहा यहाँ से कहीं, लेकिन मैं ऐसे खेलने वाला हूँ, क्योंकि सच्ची में क्राउन हमारे पीछे है, ठीक है। पासवर्ड डालना है, ओके ठीक है, पासवर्ड। अब हम अंदर आ चुके हैं भाई, ठीक है। तो क्राउन आ रहा है शाम से, एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी फ्रिया मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कुछ है तो नहीं, क्यों मैं वैसे ही खेलने वाला हूँ जो तो सच्ची में मेरा क्राउन मेरे पीछे पड़ा है। वैसे पड़ा है, वैसे सो मचाने से वो वहाँ आएगा। ओ भाई ये लाइट, भाई लाइट डरा रही, क्राउन से ज़्यादा तो मैंने जोकर से ज़्यादा तो लाइटें डरा रही हैं। हो ओ भाई सो शिट, ओके भाई थोड़ी मूवी वाली फील आ रही है इसमें, यहाँ पर कॉइंस पड़ी हैं थोड़ी बहुत, सारी बताऊँ ये बुक उठा के नहीं रहा। अच्छा डोर का ऑप्शन आ रहा है सब बंद करने के लिए, मैं बुक नहीं उठा सकता, ठीक है।
वो यहाँ उठाने लायक कुछ है भाई। लाइट बहुत प्रसार करी, इस कमरे से निकलो। ये पे अच्छा मैं हाथ से नहीं खोल सकता, मुझे पता पे मैं लास्ट टाइम देखा था। ठीक है तो मैं बैल्कनी में आ चुका हूँ। मैं ये कमरे सही से चेक करने लगा क्योंकि मुझे नहीं पता है तो ट्रॉन नहीं मैं यहाँ भी नहीं है। इसे ओपन करता हूँ क्योंकि या तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पड़ी हैं। इन पॉइंट का होगा क्या, मैं तो बस कलेक्ट कर जाओ वो। ठीक है तो क्रॉन मेरे साथ साथ आ गया। नहीं नहीं यार लाइट बड़ा दिमाग ख़राब कर रही है। ओहो ठीक है, मुझे वहाँ पर टॉर्च पड़ी दिख दी है। उस टॉर्च को उठाता है। ठीक है और हमारे पास एक टॉर्च भी आ चुकी है। हाँ सीधा फरोजा जल्दी है। ठीक है तो मैं थोड़ा बच बच के चलने वाला हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता हूँ मैं कि मैं घोस्ट मोड खेल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा केयरफुली रहने वाला हूँ कि जिससे मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी किससे बचना किस तरह से है। वो कहते हैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ उठाने लायक नहीं है। यहाँ पर मुझे पैसा मिला थोड़ा सा। ओके फिर भाई साहब थोड़ा सा इधर जाकर देखना उन्होंने क्या है। उधर तो स्टेयर्स हैं, अप स्टेयर। ये लॉक्ड है ठीक है, ये फिर ये ओपन है ठीक है। मूवी की तरह जैसे उसके अंदर वो निकलता है ना सेम वैसे ही है। मुझे एक फ़ोटो मिला है यहाँ पे। ये लाइट फिर से पसंद करने लगी है। ओके मुझे तेरा पीस ऐसा ढूंढना पड़ेगा ठीक है। नहीं रूम इन्हें ढूंढ लूँगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा वैसे चलता हूँ। ये डोर लॉक है, ये भी लॉक है ठीक है। तो ऊपर तक चलते हैं क्योंकि यहाँ का काम हो चुका है भाई। सर दो मुझे की लानी पड़ेगी इसकी। जब मैं की कहाँ मिलेगी इसकी, मैंने कहीं की तो देखी थी इसकी याद नहीं आ रही है। इसे खोलो। ओए मिल गई सेकंड फ्लोर की ठीक है। वो क्या क्या यहाँ पर भाई, फिर से लाइट पसंद कर रही से ज़्यादा तो यहाँ पे ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, नहीं उठा सकते इसे। उठा अच्छा नहीं, मतलब वो ड्रॉर का ऑप्शन आता है, मुझे लगता है कि उठाना है। हाँ ये नहीं उठा सकते हैं, उठा इसे ना। गेम सेम कर सकते हैं कि वाइज भाई अच्छा मैं गेम घोस्ट मोड खेल रहा हूँ जब मैं अभी यहाँ पर मर चुका होता ठीक है। तो चीज़ का भी मुझे ध्यान रखना आगे से। ठीक है यूज़ करते हैं, गेट खोलते हैं। फाइनली हमने सेकंड फ्लोर भी स्लो आ गया। तो अब सुबह शुरू होगा हमारा थर्ड ठीक है। तो भाई ऐट हो मैसेज आ रहे हैं फालतू में। तो मेरे को यहाँ पे अपना ईद तो पेचकस और क्या नाम है कुछ फ़ोटोज़ लानी होंगी आई थिंक। साथ ही वही है मैं कि नहीं ये मुझे वो नहीं लग रहा यहाँ पे। साथ वो गैस वैस बंद करनी होती है, साथ में याद आ रहा है। तो यहाँ से मुझे बैठ के निकलना पड़ेगा क्या? हाँ ठीक है, मुझे यहाँ से बैठ के निकलना था। और मैं पॉइंट वॉइंट कलेक्ट करके चल रहा हूँ, पता नहीं क्या यूज़ हो, मुझे क्या बाय करना पड़ेगा जिसे। ओके ड्रम्स फेंको भाई। भाई नॉर्मल मोड में नहीं कर सकता मैं तो ड्रम व्रम फेंको पा गया। मतलब गेम पहले की शेडो भी दिखती है, चलो अच्छी चीज़ है। ग्रेनी में तो बंदे का भी शिकल नहीं देख सकता बंदा वो कौन है कैसा दिखता है। निकल हाँ ओके मुझे हाँ यही है वो मुझे पैसेस वगैरह ठीक है। तुम्हें यहाँ दो ऑप्शन मिलना है राइट और लेफ्ट। मैं वैसा लेफ्ट का राइट बनाऊंगा। क्या राइट का राइट हो, राइट का लेफ्ट होगा, राइट का राइट में घुसो लेफ्ट में सॉरी मैं घुस गया जिसमें थोड़ा मुझे सही सा लग रहा था ठीक है। तो यहाँ पे भाई कहाँ को रास्ता है वो यहाँ पे जोकर का फेस बनाया जो कि अलग है, डिफरेंट है थोड़ा सा। नहीं लगा मुझसे मतलब नहीं है, मैं जाना किधर है भाई? ये तो थोड़ी भूल भले ऐसी लग रही। असल में जब चीज़ कोना चेक करके चल रहा हूँ। इसे उठाते हैं, वो आ गया भाई। टर्न बैक टर्न वो ठीक है, टर्न बैक करने में कमरा मिलता है हमें। वो भाई साहब ये फोन वो बिल्कुल उसी गेम की तरह है, मेरा सॉरी मूवी की तरह ही है ठीक है। तो लिखा है वो मतलब हाइट वो ठीक है, गेट बन गया। ओके निकाह मर्डर इज द लास्ट चांस भाई साहब, पता नहीं क्या क्या लिखा रहा है यहाँ पर, थोड़ा समझे तो हो सके ये हिंट हो किस चीज़ का। फिर से बीच में खड़ा होता हूँ कि बीच में खड़ों से पता चलता है। भाई ठीक है थोड़ा सा डिग झटके से आता है, इसलिए डरावना सा लगा मेरे को, ज़्यादा नॉर्मल सही है।
शिवदा क्रेकोइटा। भाई मैं तो फिर समझ आ गया क्या, एग्जिट यार बिहाइंड, पीछे जाना है, पीछे एग्जिट है। ओ हाँ वाकई में एग्जिट है, ठीक है पीछे उल्टा चला था क्योंकि नहीं हो सकता। ठीक है तो मैं यहाँ आ चुका हूँ, ठीक है मुझे पेचकस और एक फ़ोटो मिल चुकी है मेरे को जो कि काम आने वाली, यहाँ से निकलना होता है मेरे को, मुझे पता है थोड़ा सा, मैंने पिछली बार लाइव स्ट्रीम नहीं था लेकिन मैं इन कमरों में कन्फ्यूज़ हो गया था। ठीक है तो सारे कमरे में चलते हैं पहले। ओके सही, मतलब सही चुनाव में यहाँ पर कुछ रखा नहीं रखा है तो नेवर, मतलब सॉरी गिव अप, गिव अप मतलब जी बर्थ को जाएंगे क्या, मर्डर में जाएंगे, गिव अप करना कह रहा है, गिव अप डी फैक्ट रिबर्थ, रिबर्थ ट्राई करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। ओ भाई साहब गलत मान है, गलत मान गया, फिर से निकलना पड़ेगा। ठीक है बीच में खड़ा होता है ऊपर देखते हुए, नहीं आया वेट ढंग से देखना पड़ेगा बैठ के, आ गया गेट, आ गया आ गया। ठीक है तो फिर से मैं रीट्राई कर रहा हूँ, मैंने गलत ऑप्शन ले लिया। ठीक है तो यहाँ पे वही सेम चीज दिखी है। चलो भाई चलो, मुझे लग रहा है इसमें मैं फंस जाऊँगा क्योंकि पिछली बार में फंस गया था। ओके एग्जिट या बिहाइंड, एग्जिट इज बिहाइंड, सॉरी मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ रहा हूँ। ओके निकलते हैं ऐसे नीचे, फिर से आ चुका हूँ मैं, दैट इज़ द वे टू आउट, यानी कि मौत ही मुझे यहाँ से निकालेगी। तो जाएंगे किस में जाएंगे हम, जी बर्थ में जाए मौत ही मुझे, यार थोड़ा सा यार थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई क्योंकि थोड़ा पजल वाला सिस्टम हो सकता है, जी बर्थ में जाता है कि मौत। अरे मैंने गलत नहीं किया, मुझे सीधा सीधा उसमें जाना था, डेथ वाले में निकल गया, दोबारा बंद ऑफ हो जाता है। कोई नहीं फिर से रीट्राई करता है, बीच में खड़ा होता है और ऊपर देखते हैं, सॉरी ऐसा नहीं, फिर से फिर ऐसे ऊपर देखते हैं नीचे। ठीक है तो मैं इस बार समझ गया कि कैसे निकलना है। भाई ये लोग खुल गया, ठीक है खुल गया, एग्जिट इज बिहाइंड। ठीक है तो उल्टा फिर से जाएंगे चल के, मैं उल्टा चले निकलता हूँ, पिछली बार मैं फंस जाता हूँ यहाँ पर हमेशा, दैट इज़ वे टू मतलब मौत ही मुझे ऐसे निकालेगी यार। लेकिन मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, मौत मुझे कैसे निकाल सकती है यहाँ पर, अगर मर जा क्यों, मान लो अगर मैं सुन डेथ में फिर से गया मैं री बर्थ में तो चले गया, मौत किससे आती है, मर्डर को अगर मर करने पर। भाई सब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि यार बहुत टाइम लगता है चीज़ में, क्या करो क्या करो, चलते हैं इस कमरा। वो ठीक है भाई सही था, इस बार क्या है गिव अप, गिव अप के लिए हम चुनेंगे डेथ को, नहीं मुझे बर्थ, क्या मैं क्या वो क्या क्या चुने भाई समझ नहीं आ रहा, दिमाग ख़राब हो रहा है। तो बार बार चेक कर जा रहा हूँ और मैं फंस जा रहा हूँ। किस में जाना सही रहेगा भाई, तो बताने वाला भी तो नहीं है भाई, चलता है री बर्थ में चलता है, कोई दिक्कत नहीं देखी जाएगी इसमें। नहीं यार मतलब मैं सारे गेट खोलने को देखूँ क्या, ऐसा पता तो चलते नहीं। थोड़ा सा दिमाग की चीज़ पे लगा जाए, इसमें लिखा है गिव अप, सॉरी पैन डिफेक्ट पे। ओके ठीक है ठीक है, क्लोज द क्लोज द डेथ मतलब मौत को बंद कर दो, ठीक है क्लोज टू डेथ, यहाँ पर डेथ के नाम से अगर सब बंद करना है तो फिर खोलना ही क्यों, ज़्यादा आई थी किसी भी जाना है मेरे को कि वहाँ पर डेथ का ऑप्शन आ रहा है। ट्राई करूँ क्या इसमें, डिफेक्ट में तो नहीं जाना चाहिए भी, मैं अभी आ रिबर्थ में जान इससे फोन किया था ना, फोन वैसे कुछ होने वाला नहीं, बस में थोड़ा टाइम पास हो रहा है, समझ नहीं आ रहा किधर को जाऊँ। क्लोज टू डेथ ओके डिफेक्ट रिबर्थ, भाई साहब
मैं कंफ्यूज आ जाऊंगा, पागल हो गया, इसमें जाऊंगा किस में? हाँ गलती हो गई, फिर से मैं फंस गया, फिर से रीट्राई करो, पीछे बीच में खोलना पड़ेगा। ठीक है खुल गया, चलो इस बार मैं ऐसे तो निकल जाता हूँ। मर्डर इज द लास्ट चांस। हमने पिछली बार तो मैं डोर में फंस गया था, उसे डोर भी स्केप नहीं कर पाता, कम से मैंने तो स्केप कर लेता हूँ बस, लेकिन लास्ट में निकलना है। एग्जिट या बिहाइंड ही है यारा, इससे पीछे वो उल्टा चलूँगा। हाँ ठीक है एग्जिट हो गया, खोलता है तो मोड़ थी मेरा रास्ता। ठीक है तो चलते हैं, इसका तुझे पता है आ गया। ठीक है हो कहा है, गिव अप के लिए किस में गया था मैं, बाय में भूल गया। भाई मैं भूल गया, मैं इस बार फिर गड़बड़ी करूँगा, बड़ी मुश्किल से उसके अंदर आया था मैं, गिव अप का डोर क्रॉस करा था मैंने। मर्डर आई थिंक सो, नो मर्डर नहीं आएगा काम, दैट्स मैं जाना चाहिए। गिव अप, चुप फिर नहीं, चलते हैं हम देख लें। गलती कर दी, मेरा गुस्सा आ रहा अपने आप पे। ये हर जगह सेम ही दिखाया, मैं बार बार चेक कर रहा हूँ फिर भी। भाई आई थिंक शायद मेरा चौथी बार है, अगर इस बार नहीं हुआ ना मैं ऐसे एग्जिट करने वाला हूँ नींद। मौत ही मेरा रास्ता, ठीक है इसका तुमसे पता है। ठीक है अभी वो कुछ बताएगा मेरे को कहाँ लिखा होता है, कहाँ आएगा। गिव अप के लिए किस में जाऊँ, तो ओके मैंने फिर से गड़बड़ी कर दी थी, मैं गलत सुन चला गया, मैं इस बार फिर से दोबारा ट्राई कर रहा हूँ। मैं बार बार अच्छी चीज़ हो रही थी, डिफेक्ट में जाता है मेरे साथ। ओके तो मैं सही जगह आ गया, बिकॉज इज डेथ, अगर मौत को बंद करना है तो दोबारा से पैदा होना होगा। ठीक है ओके तो हम थोड़ा आगे आ गए, लास्ट चांस इज मर्डर, यानी कि मर्डर लास्ट चांस मैंने भाई पढ़ा था। फाइनली भाई स्केप कर लिया है, बड़ी मुश्किल से मैंने दिमाग लगाया है, सॉरी थी मैं जैसे मैं कन्फ्यूज़ होता कहाँ से निकलना चाहते हैं, मैं फंस ही जाता। ओके तो हमने एक द इनटू द स्ट्रॉन्गेस्ट रूम, ये सब मैं कहूँगा भाई कौन कौन सा कमर जाना। हाँ आई थिंक इन्हें याद आया, चाबी में लेते हैं, चाबी काम आए हुए टैगर फूड डिस्टेंस भी, यानी कि अच्छा बाहर एक गाड़ी खड़ी होती है उसमें खाना होगा। ठीक है समझ गया, अब जो वहाँ पे होते हैं इन्हें क्या नाम उसका जोकर सिंह तो बचना पड़ेगा ना, मतलब थोड़ा खूब भाई भाई जोकर तो इनका है, मुझे पता है कुछ नहीं है, यानी कि फिर भी हम इससे थोड़ा दूर जाने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा क्रीपी सा लगता है भाई है रबू। चलेगा क्या? हाँ ठीक है चलेगा, वो इधर उधर चलते हैं और नीचे बैठ भाई। अब बेसिकली करना क्या है, इस वाले को कुछ सफरना है, इसे ऐसा खुल गया और चलते हैं। टॉर्च हमें इसलिए मिली थी आप जिससे हम अंधेरे में देख सकें। ओके तो हम अंदर आ गए हैं, सब खोल सकते हैं नहीं, ठीक है सामने चाबी लटकी मे स्टोर रूम, अच्छा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रूम कह रहा, मैं स्टोर रूम दिखा था वो सब खोल लो भाई कैसे, अच्छा वैसे खोलना है वी कांट यूज, अच्छा यार लेकिन नहीं है ये वाली दिया है, अच्छा ये वाला रास्ता भाई एकदम ठीक है, तो मैं शॉर्टकट मिल चुका आप चलते हैं नीचे। ओ भाई साहब यहाँ तो अंधेरा है काफ़ी ज़्यादा,
ये गैस हम बंद करनी है जिससे हम उस पार जा सकें। मैं जान नहीं सकता कि वो बहुत ज़्यादा हॉट है, मतलब गर्म है, तो उसे बंद करने के लिए वो एक व्हील ढूंढना पड़ेगा जिससे हम इसे बंद कर सकें। तो यहीं पे ही पड़ा होता है व्हील, हाँ वो रहा सामने, इससे उठाओ और चलो व्हील पर लगाते हैं। भाई ये चौपर ही घूम रहा है, दूसरे रास्ते से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। बस की आंखें दिख रही है, भैया अच्छा ग्रेनी की तरह से मैं पीस नहीं लगा सकती, नहीं तो बहुत दूर दूर जाना होता है। ठीक है चलते हैं, पानी का वो बंद, मतलब वो गैस बंद हो गई है, सुनते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं आया बैठ, अच्छा तो मैं फोन में जी इसका काम अच्छे से हाइड कर सकता हूँ। तुझे क्या मिला है? ओके मैं छः पीस बन चुका है, चलते हैं आसव। और कुछ भी है यहाँ पर? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है। एक तो जाने का रास्ता यही है वैसे, इसे उठा सकते हम? नहीं इसे नहीं उठा सकते हम। गेट खोलते हैं और लगे तो कुछ जाना था। ओ आई ये जोकर आ गया, जब इसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, कैसे कैसे सब बचना है। यहाँ पर कुछ कॉइन्स पड़ी है, ठीक है। तो अच्छा हाँ मैं इसे फ्रिज वाला कपड़ा खोल सकता हूँ जो सबसे शुरू में मिला था, कहाँ है वो कपड़ा? ये तो नहीं है, अब मिलने का नहीं फील होता है। इससे खोल सकता हूँ? नहीं इससे नहीं खोल सकता, नहीं इसकी कोई चाबी नहीं है। आई थिंक वो दूसरी साइड से खोलना पड़ेगा इसे मुझे, ये तो अभी था उस खबर से, लेकिन अब मेरे पॉइंट्स वाला मिलना तो पॉइंट्स ले लेता हूँ जल्दी से। कहाँ चलेगा कमरा वो? ये भी ये बचिलो बचिलो इससे बचना भाई बहुत मुश्किल है, वो तो वो तो मैं वॉस्ट मोड में हूँ। ये बार बार बताना पाला तो अच्छे में गया वो कपड़ा जिसमें वो लाइट बंद होना पड़ रही थी। हाँ ये वगैरह इन्हें फिर मुझे इधर से जाना है। ओके तुमने यहाँ पर कुछ ज़्यादा वो नहीं है, उसमें से निकला भी हम। नीचे चलो भाई नीचे, मुझे ना बोस असल में ना कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है, वो कुछ मिस कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रही वो चीज़ क्या है, इसलिए मैं ढूंढ लेता हूँ। तो ठीक है, तो मैं नीचे तो काफ़ी देर से घूम रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। ओके ठीक है, मेरे को थोड़ी बहुत कॉइन्स मिली हैं, डाले भाई जल्दी से ठीक है। यहाँ यहाँ कुछ नहीं है, मैं ना असल में एक चैन में मिलती है शायद, वो मुझे याद नहीं आ रही वो चैन कहाँ मिलती है। कुछ दो कमरे होते हैं नीचे में, अब तक एक ही कमरा मिला भी याद आ गया है। तो एक कमरे में तो मुझे व्हील मिल जाता है, दूसरे कमरे में चैन मिल जाती है, तो मैं जल्द से जल्द वो कमरा ढूंढना होगा क्योंकि भाई मैं आप ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है इस गेम को, कहाँ पर कहाँ पर रूम हो सकते हैं। ओके तो मुझे कमरा मिला है, नहीं यार ये तो वही कमरा है, इसके अंदर कुछ नहीं होता। तो भाई यार ये अंदर होगा, मतलब यानी कि मैं टू टाइम्स होगा अब तक मर चुका होता अगर मैं गोश्त मोड में नहीं खेल रहा होता। ठीक है तो मैं यहाँ पर चेक कर चुका हूँ, यहाँ तो नहीं मिलता है वो। ठीक है यहाँ से निकलते हैं भाई, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा, इतना अंधेरा बहुत ज़्यादा भाई यहाँ पे, तो टॉर्च सिंगल टॉर्च में मैं कैसे देखूँ इधर? तो मैं इधर तो मैंने व्हील लगाया था मुझे अच्छे से, और क्या नाम है जो भी इधर से आ रहा है वो गए, तो कमरा मेरे को मिला है। ठीक है भाई मिल गया, बड़ी मुश्किल से मिला है। ठीक है तो यहाँ पे मुझे पेंटिंग और चैन मिल चुकी है, यानी कि मेरा काम आधा मतलब आधा ज़्यादा हो चुका है। ठीक है तो यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे जल्दी से मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ, मैंने लास्ट टाइम मुझे बस यहाँ जल्दी से एग्जिट करने का गेट मिल जाए। मैं इस बार खाऊँ ना यार, मैं बार बार यहाँ फंस जाता हूँ। हो गया तो मुझे फिर सामने रोशनी दिख रही है, नहीं इधर नहीं है, इधर मुड़ते हैं, इधर टर्न लेफ्ट लाइट लेफ्ट। अरे यार मैं फिर से घूम फिर गया वहीं आ रहा हूँ,
फिर लेफ्ट भाई, इधर तो नहीं फिर से लेफ्ट लेंगे। ओ भाई थर्ड टाइम मर चुका होता अगर मैं अभी खेल रहा होता। ठीक है मैं काउंट कर रहा, कितनी बार मैंने मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है तो भाई कहाँ चले गया, अभी तो मैं यहीं तक आ गया था, मतलब मैंने अभी गैस का व्हील देखा। ओके ठीक गैस व्हील देखा, यानी कि एग्जिट अब मैं इधर है। ठीक है ठीक है, तो मैंने एग्जिट भी कर लिया है। ओके तो मैं इस कमरे में तो आ गया था, लेकिन अब किधर जाना है मेरे को याद नहीं है। आई थिंक मुझे वो क्या नाम है, एक वो हुक से सब फुल ना। ठीक है मैं एक मुझे हुक फिर इससे सब फुल लेते हैं और ठीक है अंदर चलते हैं। सब फुल लो, मुझे दवाई मिल चुकी। ओ भाई ये तो तुम, ओ भाई ने मेरे को ना इसने ठंड में जमा देगा। ठीक मुझे पता है क्या करना है, साइड करो और स्क्रू ड्राइवर कहाँ गया, स्क्रू ड्राइवर से सफल हुआ जल्दी से, मैं मर सकता हूँ। ओके ठीक है भाई निकला। ओके ठीक है मैं सेफली बाहर आ चुका हूँ, यानी कि मैं बच गया अब। ठीक है तो मुझे दवाई मिल चुकी है और अपना पेज का स्टोर सब कुछ मिल चुका है, यानी कि मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। एग्जिट गेट किधर है, एग्जिट गेट ये तो नहीं है। हाँ जल्द जल्द मुझे एग्जिट गेट मिल जाता अच्छी बात है। ये नहीं वैसे एग्जिट गेट वो बड़ा दो डबल डोर है। ठीक है तो मेरे पास पेंडिंग वगैरह भी सारी है, मैंने एग्जिट डोर इधर कहीं देखा था। हाँ ठीक है पीछे तरफ था एग्जिट डोर, दिखे रहा बाहर निकलते हैं। मतलब मैं ध्यान नहीं रह रहा यार उसमें, तो मैं सब चीज़ देख देख के चलनी पड़ेगी, मुझे याद नहीं हो रहा। ठीक है मैं बाहर आ गया हूँ, मेरे पास दवाई है पेंस है। ओके वो जा रहा है यहाँ से, नहीं गला मैं उसे जाने देना कि व्यवस्था वो कुछ करेगा निकाल। तो एक काम करता हूँ मैं इधर से निकल लेता हूँ, फिर भी हम सब थोड़ा दूर रह के चलने वाले हैं और देखना है कि क्या क्या करना है मेरे यहाँ पे। एक तो मुझे वो ढूंढना है क्या नाम उसका, जहाँ उसका मीट वगैरह जो भी चीज़ होगी। फिलहाल तो ऊपर चलते हैं, इधर तो कुछ लास्ट टाइम इधर देखा था कुछ नहीं था। अंदर एक बॉटल मिल गया हमें, उसका हमने काम निपटा दिया। यहाँ पे प्रोजेक्टर बहुत सारी पिक्चर्स मिल रही हैं, मतलब एक रह गई है। तो एक काम करते हैं जितनी भी हमें मिली हैं सारी प्ले करते हैं, इन्हें प्ले कैसे करनी होती है उसमें डालनी है। अगर कोई एक करके कैसे इधर से डलेगी, इधर से डलेगी भाई, लग इसमें नहीं लग रही भाई इसमें इनके, इसे क्या बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट टाइम तो मैंने इसे ऐसे ही कर दिया। ओके ठीक है तो पास करना होगा था साहब। हाँ ये चल पड़ी वो भी क्लोज द एरिया की आउट, इसमें कुछ ऐसा देखा है। आई रिकॉल आई सी द साइन नॉट फॉर फ्रॉम, ठीक है आइडिया। तो ठीक है थर्ड नंबर में कोई हमारा लेटर था, अब एक और नेक्स्ट प्ले करता है। उस पर बना है चार ये सिंपल, हाँ द लास्ट वीक एवरीबॉडी फ्रॉम द डिस्ट्रैक्ट सप्लिकेट आइडिया। पढ़ने में भी तो भाई इसमें समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, उसमें मतलब क्या हिंदी क्या बनी बनेगी, थोड़ी बहुत समझ रहा हूँ। क्या मिलिट्री के बंदे कुछ, यस्टरडे आई हैड मिलिट्री स्पोक द समथिंग अबाउट फिजिकल, मतलब कुछ मिलिट्री वगैरह कुछ बात कर रहे थे फिजिकली वो जो भी है। ठीक है तो मैंने सारे कार्ड्स प्ले कर दिए थे फोर के, तो एक बच्चा है ठीक है इसे भी करता है, इसमें देखते हैं क्या है। ठीक है तो इसमें एक हेलीकॉप्टर है जो कि गली में लैंड हो रहा है। हाँ दी अदर्स डे दी हेलीकॉप्टर लैंडेड इन द सेंट्रल स्ट्रीट। ओके तो हमने सारे कार्ड जितने भी हमारे कार्ड थे हमें सारे यूज़ कर लिए हैं। अभी एक कार्ड बचा है मुझे अच्छे से याद है, मैं इसमें आठ के आठ कार्ड होते हैं सवाल करने होते हैं। यहाँ से एक मुझे कुछ पॉइंट्स पड़े दिख देने के लिए उठा नहीं पा रहा। ठीक है इसमें छोड़ो अपना बाकी सारा काम करते हैं। काम गया वो कुत्ते के लिए जो भी हमें फूड चाहिए उसके लिए, मतलब मीट चाहिए सर्कस के अंदर जाने वो। ठीक है अब जो ऊपर सामने है हाई का है। ओके ठीक है मुझे यहाँ पे भी जब काम करना है थोड़ा सा, चेन वगैरह लगाते हैं तो अच्छे नहीं रही, इसे कैसे लगा रही है चेन फिर से नहीं लग रही। हाँ ठीक है ठीक है, तो फिलहाल ये चेन डल चुकी है और हो गया करना होता है। मैं कोई पड़ी नहीं उठा लेता हूँ,
क्योंकि इसका मुझे पता नहीं अभी क्या यूज़ है, तो मैं इसलिए इन्हें कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि भाई हो सके कुछ जरूरत पड़ सके। अच्छा यहाँ क्या है? अच्छा अपने यहाँ पर अपना को दिखा सकते हैं, मतलब वाइड कर सकते हैं अपना को। सही चीज़ है, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए हम कहाँ बस स्टैंड से बच सकता हूँ मैं। ओके तो मुझे वो कुत्ते के लिए उस जगह ढूंढनी चाहिए, उसको खाना दे रहा होता है जिससे। ये तो हर जगह इतना डार्क डार्क है ना, मतलब कुछ साफ साफ दिख भी नहीं रहा है। ओके हाँ ठीक है, तो मुझे कुत्ते की तो जगह मिल गई है जैसे खाने में। वो क्या तो वन नाम चीज़ लिखी है, आई थिंक ईट है इसका मतलब, आई ईट का आई। अच्छा यहाँ से ब्लॉक है भाई, यहाँ से नहीं जा सकते हैं, और जगह ढूंढनी पड़ेगी मेरे को। ये कहाँ लगाया है उसने, कहाँ मिलेगा मेरे को ध्यान है। तो यही और ब्लॉक है, मतलब डेड ब्लॉक है इसका, मैं नहीं जा सकता। मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ क्योंकि हो सके शायद वो गाड़ी आगे खड़ी हो। ठीक है यहाँ से तो नहीं जा सकता, मैं इधर से चलता हूँ। ठीक है सर्कस के मतलब तंबू के अंदर मुझे भी जाना है, जो कि यहाँ पर लगा रखा है। इसको जाने के लिए कट होता है जिसको कैंची से काटना पड़ता है। ठीक है ये मतलब ये भी सबसे वो शो पीस है सर, आई थिंक सो, क्योंकि ये क्या रखा है जैसे। ठीक है ठीक है, तो यहाँ मुझे गाड़ी नहीं मिल रही, मैं एक काम करता हूँ अब यहाँ से ऐसे देखते देखते उल्टी साइड को जाने वाला हूँ, क्योंकि अगर यहाँ तक नहीं मिली है तो फिर कहाँ मिलेगी भाई वो प्लेस में। मैं यहाँ तो है नहीं हुई भाई, अगर चीज़ का पता हो कि वो चीज़ कहाँ रखी होगी तो बहुत आसानी से काम हो जाता है मेरा। यार नहीं है यहाँ तो नहीं बिल्कुल भी। वैसे मैं भी देख चुका हूँ ये रहा है, हमसे इससे खाना डालना जिससे मैं अंदर जा सकूँ, अंदर तो वो जानवर मेरे को फाड़ के सुगा देगा भाई। सब झूलने बहुत मज़ा आता है, गाड़ी को एक दूसरे को ठोको मज़ा आ जाता है बिल्कुल। ओके भाई बहुत मस्त चीज़ है, यानी कि अभी टूटी फूटी पड़ी है यहाँ का, जो भी बच्चों को मार के खा रहा है या जो भी समझो भाई। गाड़ी कहाँ चले गई, उसे यही आसपास करूँ ना, इतनी दूर तो नहीं होती है। और जहाँ तक मैं जाता हूँ उस लाइन, इसी लाइन में है वो, उस लाइन में नहीं हो सकती क्योंकि बिकॉज मैंने इसे यहीं देखा था। ओके ठीक है मुझे गाड़ी मिल चुकी है, एक काम करता हूँ मेरे पास की होगी इसकी एक, आइए रे इससे इस पर दवाई डालते हैं, इस पर ये दवाई डाली और इससे मिल लेता हूँ। अच्छा मेरे पास ऑलरेडी मतलब दवाई डालती आ गया था। ठीक है तो चलते हैं इस कुत्ते को खिला कर आते हैं जिस। ओ भाई ये रहा, इसे पीछे से निकल जाता हूँ, वैसे मुझे नहीं देख पाएगा क्योंकि मैं पोस्ट हूँ इस टाइम। कहाँ चलेगा कुत्ते, अब तक तो यही था। वैसे मैं मतलब उससे मरा नहीं हूँ, वो चीज़ क्या है उसके अंदर उस बोरिंग, इसका घर देखते तो ऐसे लगता है इसके अंदर एक कुत्ता होगा। ठीक है तो कहाँ से खिलाना है तेरे को, यहाँ से डालना है ये अंदर, ये अंदर खा, कहाँ से खाएगा भाई, कहाँ से नहीं रहा, मुझे मान मत दियो उस। ये कैसे खिलाते हैं यहाँ से। ओके ठीक है खा लिया सब, चलता हूँ अंदर। एक कैंची तो हमें मिल गई और हमें नोक भी मिल चुका, ठीक है दोनों के दोनों काम एक साथ हो गए। जिंदगी से निकलता हूँ क्योंकि सबसे तो पहले खाना ख़त्म हो जाना भाई, फाड़ देगा ये। ओके भाई यहाँ काम कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं तंबू की तरफ, जो हमें जिससे हमें कैंची से काट के हमें अंदर जाना है। तो कहाँ पर होता है फटो भाई, चाह तो देख लेता हूँ कि यही तो कट मिल ही जाएगा, जहाँ पे कट मिले कट पर करना चाहिए हमें। कट नहीं है, कट नहीं है, इधर कट नहीं है, मतलब पल्ली साइड होगा यानी कि मतलब होगा क्या, अब तो कन्फर्म पल्ली साइड ही होगा। ठीक है मुझे पॉइंट्स मिल गई, बस ऐसे पॉइंट नहीं है ओपी गैप, 20 मिल चुका है, आइडन 7 मिल चुके हैं, अब देखते हैं कि जितने ही मिल जाएंगे जब तक स्केप कर रहा हूँ मैं। यहाँ रहेंगे यहाँ रहेंगे यहाँ सिग्नल से घुस के उधर निकलता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते तुम, इसमें उसका दो को निकल जाएंगे सर, ग्रैनी में कर लेता हूँ मैं। ओ ठीक है कट मिल चुका है मेरे को। वो कहता हूँ सर्कस के अंदर आ चुके हैं और इधर से तो एग्जिट है, इधर चलता है। मेरे को अभी एक चेन और चाहिए, जो कि मैं चेन के जिससे मैं उसको गेट तोड़ सकूँ, मतलब ऑलमोस्ट हमने अब स्केप कर ही लिया है। भाई कितना दे रहा है, कितना लंबा है। ओके तो पेचकस निकाल लेगा वो जिंदगी से,
ऐसा खोलता है आवेंडर। ठीक है बा, यहाँ पे मेरे को बन जाती है ब्लॉक, थोड़ी सी कॉइन्स और मास्टर हाई किसी काम का नहीं है यहाँ पे, और कॉइन्स है मेरे पास। ठीक है ब्रो, लास्ट फोटो मेरे को मिल चुका है। ठीक है तो और कुछ तो फोटो नहीं है यहाँ पे शायद, आई थिंक। ठीक है चलता है, इस गेट को खोलता हूँ मैं जल्दी से, क्योंकि लास्ट चेन भी मेरे को एक चेन यहाँ पर नहीं रखी हुई। ओके चेन भी से बाकी चेन भी, और एक काम करूँगा सारा मैं सारे बॉक्स चेक कर लेता हूँ, अगर बाई चांस किसी पर कुछ सामान रखा हुआ तो मुझे मुझे फिर आना पड़ेगा, बहुत लंबा ये रास्ता है, अब यहाँ तक आ जाएगा फिलहाल तो। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, आई थिंक मुझे निकलना चाहिए। ओके बीच में भाई टाइट लाइट लगा रही है, कुछ बहुत रोशनी हो रही है फिर, ठीक है इसमें कुछ नहीं, बाहर निकलते हैं यहाँ से क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं मिलना मेरे को। आई थिंक एग्जिट उधर है, नहीं 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 गल पा गया, एग्जिट अपोजिट साइड है। ठीक है जल्दी जल्दी चल भाई, भी जब यहाँ से निकलना बहुत देर हो गई मेरे को, खेलते खेलते मेरे भी हाथ दुख गए, पेट थे यहाँ से और चलो भाई। ओके तो एग्जिट हो गया, पार्क में आ चुके हैं फिर से हम। लोड में टाइम बहुत ले रहा है। ठीक है तो ऑलमोस्ट हमने अब एस्केप करी, या तो जल्दी से चलते हैं या तो हमें जाना है उस झूले में से ताले को लगाते हैं जिससे हम झूले को तोड़ पाए, मतलब गेट को तोड़ पाए, झूला नहीं तोड़ना है हमें। समझ गया मुझे अब क्या करना है बेसिकली। ठीक है जो प्रभाव हो रहा है भाई, ग्रेन से खतरनाक कोई गेम नहीं यार, तुम्हें ये गेम मुझे ठीक ठाक लगी है, नहीं कि इसमें ना आपको रेंडम आइटम्स नहीं मिलने वाले, मतलब जो आइटम आपको एक जगह जहाँ मिलते हैं वो आपको फिक्स है, मतलब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते होते हैं, एक बार कोई टाइम ऐसा आएगा ऐसे हम हार्ड मोड भी खेल सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नया मतलब नए वो नहीं मिलने वाले हमें, कि नई नई चीज़ें अलग अलग जगह पर मिलने की, इसमें बार बार कन्फ्यूज़ होकर ढूंढना पड़े, सेम आइटम सेम प्रोजेस सेम जगह पर रखा हूँ मैं। ऐसा करते हैं और आइए। ओके तो ओके भाई शोर सुन गया था, ये आ गया था इस फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक काम करते हैं हम जिंदगी से। ओके मैं एक और मिल चुका है, वो खींचो वो खींचो, अरे खींचो, अरे ऐसे ही तो था भाई। अच्छा नहीं पहले से खींचना है, फिर राइट वाला फिर लेफ्ट वाला। ओके हो गया, ओके तो ये फायदा नहीं है चार सौ का, चलते हैं इसके ऊपर चलते हैं, चलो भी चलो भाई। ये तो पुराना सा लग रहा है, मेरे को ऐसा लगा टूट के गिर जाएगा, क्योंकि बेसिकली ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, आप सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हो भाई, मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुआ, कम से कम 100 तो सब्सक्राइबर करो, इससे थोड़ी खुशी हुआ यार, 44 सब्सक्राइबर तो बहुत कम होते हैं 44। ठीक है फिलहाल तो अभी जितने हैं इतने बहुत हैं, लेकिन भाई 100 सब्सक्राइबर में जल्दी से कराओ, बड़े बड़े यूट्यूबर तो ब्लॉक हो जाते हैं। ओके तो मैं ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है यहाँ पे रास्ता बिना है, चलते हैं हमें एस्केप द ड्रीम। अच्छा मैं सपना देख रहा हूँ, ओ बैरी वेर सब तीन जेंड में नहीं हो रहा है कि सपने देख रहा हूँ, गेम का रूल ये है, जब भी सोचो इतना घटिया मतलब घटिया नहीं हुआ वैप, ठीक है लेकिन ऐसा घर वगैरह नहीं दिखा रहे जो रियल लाइफ में होता है। ठीक है तो मैं घर में आ चुका हूँ और गेट वच चुका है अपना, मुझे क्लॉक मिली थी तो यहाँ रख ली है मिसिंग का समथिंग। हाँ तो ये क्लॉक हमने यहाँ रखी, अलार्म लगा के सेट हो गया, अब लंबी नींद लेते हैं। गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नींद आ गई सो गए। ओ वाइस हेलो, कोई है यहाँ पे? ओ वाइस सर मैं किसी और कमरे में आ चुका हूँ,
आई थिंक इन सेकंड सपना है। हेलो।